पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं और इटली और अल्जीरिया की बॉक्सर के बीच एक बॉक्सिंग मैच हुआ, जिसके बाद से बहुत बवाल है। 46 सेकंड तक ये मैच चला था, उसके बाद इटली की बॉक्सर वॉकआउट कर गई। और उसके बाद से लेके अगर आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आपको पता कितना कुछ चल रहा है। कोई कह रहा है कि वो अल्जीरियन बॉक्सर बायोलॉजिकल मेल है, तो किसी का आरोप है कि वो ट्रांसजेंडर है। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल बयान आए हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सा मामला XY क्रोमोसोम्स का है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब से अच्छा कौन हो सकता था? डॉक्टर साहब को आपने कई बार देखा है हमारे साथ। डॉक्टर सरनजीत हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं थैंक यू। हाँ फाइन। डॉक्टर साहब? पहला एकदम बेसिक सवाल मेरा है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और इससे किसी का जेंडर, क्या इसी से जेंडर डिफाइन होता है या फिर और भी चीजें हैं? चलिए थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं हम। दरअसल हमारा शरीर करीब 35 ट्रिलियन सेल्स का बना होता है, एडल्ट जो ह्यूमन बॉडी होती है। और हमारी बॉडी में लगातार नई सेल्स बनती रहती हैं और पुरानी सेल्स बिगड़ती रहती हैं, और इसको कंट्रोल करने का जो काम है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो करता है। और इन सेल्स के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल एक खास सेल ऑर्गेनल है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। और उसी के अंदर ये क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें ये जेनेटिक मटेरियल होता है। और हमारी बॉडी में करीब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और वो जैसे हमारी स्किन का, हमारे बालों का कलर कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारी मेटाबॉलिज्म क्या होगी, इन सबको कंट्रोल करते हैं। सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा बाकी सेक्स के जितने भी सेक्स रिलेटेड ओरिएंटेड फंक्शंस होते हैं उनको छोड़ करके ये बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और इन्हें ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है। इसके अलावा जो 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, जिन्हें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कहते हैं, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स बोला जाता है। और ये डिटरमाइन करता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब ये हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो फीमेल होती हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल्स में XY क्रोमोसोम होता है। और ये जितने भी पेयर्स होते हैं उनमें से आधे क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं और आधे क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं। अब सपोज जैसे फीमेल का जो एग होता है, अगर वो फर्टिलाइज होता है किसी ऐसे स्पर्म से जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फीमेल चाइल्ड होगा। सेम वे अगर वो वाई क्रोमोसोम के साथ अगर फर्टिलाइज होता है तो वो फिर मेल चाइल्ड होगा। और रही बात इनके डिटर्मिनेशन की, तो इनके डिटर्मिनेशन के बहुत तरीके हैं। और शुरुआत में करीब 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद आपने अक्सर सुना होगा अल्ट्रासाउंड वगैरह करते समय भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है। और दरअसल वो होता ये है कि ये पता करने के लिए कि बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जिसे खास तौर से एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो उसी दौरान जो है ये पता चल जाता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी, जो उसकी एक्यूरेसी है, वो 80-90% के आसपास होती है। और एडल्ट के केसेस में तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट के थ्रू भी बहुत आसानी से पता चल जाता है कि किस तरीके के क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा था कि क्या XY वाला पुरुष ही होगा, ये पक्का है, या फिर किसी महिला में भी XY क्रोमोसोम्स हो सकते हैं? देखिए ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। ज्यादातर केसेस में एक्स एक्स है तो फीमेल होगी और अगर XY है तो मेल होगा। एक खास तरीके का एक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं स्वेयर सिंड्रोम। और स्वेयर सिंड्रोम के केस में जो देखने में फीमेल होगी लेकिन उनमें वाई क्रोमोसोम होता है। अच्छा, अब इसमें एक XY क्रोमोसोम वाली फीमेल में और एक XX वाली फीमेल में क्या डिफरेंसेस होंगे वो समझना जरूरी। दरअसल ये जो XY वाली जो जो फीमेल होंगी उनका यूटेरस छोटा होता है, इनमें ओवरीज नहीं होती है और इसके अलावा ये इनफर्टाइल होते हैं। और ये थोड़े ज्यादा उनसे टॉल होंगे या थोड़ा ज्यादा मस्कुलर रहते हैं, जिसका एक एडवांटेज अगर मिलता है ये अगर किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो, एक फीमेल नॉर्मल फीमेल से कंपैरिजन में।
और अच्छा है, अब सवाल चल रहा है तो इसी से जुड़ा मैं कुछ और भी सवाल ऐड कर देता हूँ, कुछ जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि मेल्स में एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से इसे जाना जाता है, सॉरी दिस इज कॉल्ड जैकोब सिंड्रोम, जिसको हम सुपर मेल्स भी बोलते हैं। और ये जो मेल्स होते हैं ये नॉर्मल मेल्स के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा मस्कुलिन होते हैं, थोड़ा उनकी हाइट वगैरह भी ज्यादा होती है, हालांकि उनकी लर्निंग जो एबिलिटीज होती हैं और जो उनका मसल कोऑर्डिनेशन वो उतना अच्छा नहीं होता है, बट दे आर नोन एज सुपर मेल्स। इसी तरीके से कभी कभी मेल्स में एक्स्ट्रा एक्स सिंड्रोम भी आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें कुछ फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। तो ये होता है क्रोमोसोम जैसा जो आपने पूछा उसके बारे एक्स वाई वाली जो महिलाएं हैं ये ट्रांसजेंडर से अलग कैसे? में। देखिए ट्रांसजेंडर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसजेंडर मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल में। अब होता क्या है कि कई बार केसेस में जैसे जो बच्चा जब पैदा होता है तो जब उसके तो वैसे तो वो फीमेल पैदा होता है, लेकिन जब वो बाद में आता है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स फीमेल आ जाती हैं, तो इन्हें हम ट्रांसजेंडर फीमेल्स बोलते हैं। और इसी तरीके से ट्रांसजेंडर मेल्स भी इसी तरीके से होते हैं, जो पहले हो सकता है कि जब वो पैदा हुए तो लड़की थी, लेकिन बाद में बड़ा होने पर उसमें मस्कुलिन करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो वो ट्रांसजेंडर मेल्स होते हैं। अब यहाँ चूंकि हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ओलंपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि जितनी भी ट्रांसजेंडर फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं नॉर्मल फीमेल से। उसका कारण क्या होता है कि उनका मसल मास बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। उनका कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम यानी कि उनके हार्ट की कंडीशनिंग और उनके लंग्स की कंडीशन जो होती है वो एक नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन से बहुत बढ़िया होती है, जिसकी वजह से चाहे वो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में हो या किसी स्ट्रेंथ स्पोर्ट में हो, वो उनसे बेहतर ही रहते हैं। और ये डिफरेंस करीब 20-30% तक का होता है, और ये तो आप भी समझते होंगे कि अगर ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक चीज आपने हमेशा आप नोटिस करेंगे कि हमेशा जो ट्रांसजेंडर फीमेल होगी वो मेल्स के ही साथ कंपीट करी होगी, आपने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा होगा जिसमें ट्रांसजेंडर मेल मेल के साथ कंपीट कर रहा हो, क्योंकि वो कभी उतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, राइट? तो ये जो कंट्रोवर्सीज आती हैं, चाहे हम खूब सारे ट्रांसजेंडर, चाहे अभी वो सोमैया का भी केस आपने देखा था, दत्ती चंद के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ हमारी, और लिया थॉमस थी जो स्विमर्स थी यूएस की, फिर फैमिली ब्रिज थी, तो इसके अलावा एक और नाम मुझे याद था जो पावर लिफ्टर थी जिनका नाम लॉरल हबर्ट, जो कि पावर लिफ्टर थी न्यूजीलैंड की, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो अभी तक इंटरनेशनल ओलंपिक्स में ये चीजें अभी भी वैसे ही चल रही हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रेगुलेशंस आज तक नहीं हो पाए हैं। अच्छा, जन्म से कोई महिला, जैसे यही केस है हमारा ईमन का, जिसने जेंडर चेंज के लिए कोई हार्मोनल इंजेक्शन नहीं लिया, कोई ऑपरेशन नहीं कराया, वो अगर महिलाओं के साथ खेल रही है तो इसमें क्या समस्या? मतलब महिलाएं किस तरीके से ये फील कर रही हैं कि वो इन्फीरियर हैं इसकी तुलना में? देखिए जैसे मैंने बताया कि अगर ऐसा ये इस तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उनको एक एडेज एडवांटेज तो मिल ही जाता है, जैसे कि उनमें हार्मोनल डिफरेंसेस होंगे, जाहिर सी बात है उनका टेस्टोस्टेरॉन भी थोड़ा फीमेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और वो टेस्टोस्टेरॉन उसमें ना केवल उनके अंदर एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, बल्कि उसकी वजह से उनका ओवरऑल स्ट्रेंथ, उनका स्टैमिना, उनका एंड्योरेंस वो सब भी बढ़ेगा, और जो स्पोर्ट्स में डेफिनेटली उनको फायदा देगा। तो ये बेनिफिट्स को मिलेंगे ही अगर कोई ट्रांसजेंडर है, फीमेल है, और अगर वो फीमेल्स के साथ कंपीट कर रही हैं तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, इसको मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाहूंगा। ये जो मामला ईमान खलीफ का है, कैस्टर सेमेनिया का आपने जिक्र किया, दुती चंद के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, भारत की जो स्प्रिंटर हैं, क्या ये तीनों मामले कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, एक जैसे हैं या तीनों अलग अलग केसेस? देखिए इस चीज के बारे में जब तक पूरी कंप्लीट डिटेल्स ना पता हो उनको, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। दत्ती चंद के बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे अभी तक जानकारी है, सिर्फ मैं इतना जानता हूं कि वो
हाइपर एंड्रोजिनिज्म की प्रॉब्लम थी उनके अंदर। उनके अंदर एक नॉर्मल फीमेल जितना टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है उससे वो कहीं ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करती थी वो। तो ये चीज़ें हैं। और आपको मैं बताऊं कि आप ईमान खलीफ की बात करें, और साथ में एक और ताइवान की एक और बॉक्सर थी टेंग लू, हाँ जिनका जो है 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान उनका भी मेडल वापस लिया गया था और इनको डिस्कार्ड कर दिया था वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन ने। अब यहाँ जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो इटली की बॉक्सर हैं जिन्होंने जो ये बोल रही एंजेला जो ये कह रही हैं कि ये गलत हुआ है उनके साथ, तो ये अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो अभी तक चलने वाली है कि जब अगर उनको ऑलरेडी बैन कर दिया गया था तो उसके बाद उनको ओलंपिक में कैसे खिलाया जा रहा है। और उस दौरान जब इनके टेस्ट हुए थे तो इसमें शायद जो यिन क्लिंग थी भारतीय उनका तो ट्रांसजेंडर आया था, उनकी फाइंडिंग्स थी। और जो इनके साथ था ईमान खलीफ के साथ, उनके केस में भी टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा पाया गया था, क्योंकि जब जो वाडा वर्ल्ड एंटी डोप एजेंसी है वो ये तय करती है कि मेल्स और फीमेल्स में एक खास लेवल से ज्यादा अगर टेस्टोस्टेरॉन है तो इसका मतलब ये है कि अलग से टेस्टोस्टेरॉन लिया गया है। तो अभी तक लेकिन ट्रांसजेंडर के ऊपर जो कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं बने हैं, ऐसे रेगुलेशंस नहीं है, उनकी एक 12 पॉइंट्स की गाइडलाइंस जरूर है, जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने कोई ऐसे अगर सेक्स चेंज कराया हो तो वो उनका 12 साल की उम्र से पहले का होना चाहिए। सिर्फ इतना ये कुछ पॉइंट्स हैं उसमें जिसमें मेन पॉइंट यही वाला है। तो अभी तो ये कंट्रोवर्सी देखिए चली रही है, ये कहाँ जाके रुकेगी इसको तो क्या कहना थोड़ा मुश्किल है अभी। ठीक है डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद लोगों को इस कंट्रोवर्सी के बारे में ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।